हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टर्न द बस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बंटी कुमारी और आज हम लोग मैथ्स की कक्षा में पाठ 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ पढ़ेंगे, जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ आकार है जो आपने पहले की कक्षा में भी देखा होगा। तो ये क्या है? ये है घनाभ, ठीक है, जिसमें कि ये आप लेंथ मान लेंगे यानी लंबाई, और ये चौड़ाई है पूरा, और ये है ऊंचाई। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। और ये वाला आकार देखिए, ये है घन, ठीक है। तो ये घनाभ है और ये घन है। घन में क्या, घन और घनाभ में क्या अंतर है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक होता है। तो अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a होगा और इसकी ऊंचाई भी a होगा। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, और इसको कहते हैं, इस वाले आकार को कहते हैं शंकु। इसको कहते हैं शंकु, और ये है बेलन। तो और ये है गोला, जो कि गेंद के आकार का है। तो ये घनाभ हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, और घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, और शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, और गोला को बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। तो ये पहले पांच शेप का, सबसे पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद आयतन। तो एक एक करके सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका घन। तो घन में हमने अभी क्या देखा था कि इसकी जो लंबाई है, ये है लंबाई, और ये चौड़ाई, ये भी होगा a, और ये ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक बराबर होता है। तो आप अगर आप देख रहे होंगे, तो जैसे आपने जो लूडो का जो सिक्सर यानी जो छक्का होता है उसको आपने देखा होगा, तो उसमें कितने साइड्स होते हैं, एक उसके नीचे वाला, दो तीन चार पांच छह, तो इसमें छह साइड है, ठीक है। इसके छह साइड है, जैसे जो आपने लूडो का जो छक्का, जो गोटी होता है, छक्का होता है, उसमें भी छह साइड होता है, ये वैसा ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें छह साइड है, यानी इसमें छह वर्ग बन रहा है, छह वर्ग बनेगा, एक ऊपर और एक जस्ट उसके नीचे, एक आगे और एक जस्ट उसके पीछे, और ये एक बाएं साइड में और ये एक दाएं साइड में। तो कितना वर्ग यानी कितना स्क्वायर बन रहा है, छह स्क्वायर बन रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का, हमें सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं, एक बोलेंगे सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसके जो चारों साइड्स है ये, या फिर आप अपना रूम देख सकते हैं, तो रूम की जो चारों दीवारें हो गई, इसमें से अगर ऊपर का और नीचे का भाग हटा दे तो उसको, उसमें संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं आएगा, उसमें क्या आएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको बस बोल सकते हैं। और अगर हमने पूरा ले लिया, छत और नीचे का जो जमीन है सब पूरा छह ले लिया, तो वह हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह हो जाता है संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस एरिया, तो यानी SA सरफेस एरिया का, और संपूर्ण यानी टोटल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल एरिया को हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं TSA। तो इसमें देखिए कि क्या होता है, छह साइड है, छह यानी छह वर्ग बन रहे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है A गुना A। तो इस तरह का कितना वर्ग है, छह वर्ग है, तो इसी तरह से हम लोग A गुना A कितनी बार लिखेंगे, छह बार लिखेंगे। A गुना A तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। तो यह हो गया TSA ऑफ घन। ये घन का TSA यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अब दूसरा हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया संपूर्ण, और दूसरा आपको क्या हो सकता है कि आपका छत और उसमें से जमीन जो ऊपर, टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, चार। तो अगर कभी बोल दिया जाता है कि आपको घर की चार दीवारें पेंट करना है और आपका घर का आकार है घन की तरह, तो उसमें से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि घन आकार के कमरे का चार चार दीवार का क्षेत्रफल, चार दीवार का क्षेत्रफल, तो वह हो जाएगा 4A स्क्वायर। इसमें से दो हटा देंगे क्योंकि दो वर्ग हट जाएगा, क्योंकि उसमें छत और नीचे वाला जो जमीन है वह नहीं है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अभी जो हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें ये काम आएगा, 6A स्क्वायर एंड 4A स्क्वायर। अभी के लिए पहले हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं, क्योंकि पहले एक्सरसाइज में जो प्रश्न है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधारित है। दूसरा जो हमारा आकार है वह है घनाभ। तो घनाभ और घन में क्या अंतर था, इसकी जो लंबाई है लेंथ वो अलग होगा, ये चौड़ाई बी अलग होगा, और ये ऊंचाई एच ये अलग होगा। तो ये कैसा आकार है, तो अगर आपने माचिस का डिब्बा देखा होगा, या फिर जो आपका नॉर्मल रूम है जो कि वर्ग के का नहीं है, माचिस का डिब्बा देखा होगा, तो वो एक तरह से घनाभ है जिसमें लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग, और उसका ऊंचाई अलग। तो इसका भी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण यानी TSA यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। तो इसमें भी आप देख लेंगे तो इसमें भी कितने साइड है, छह, एक ऊपर और उसके जस्ट नीचे, फिर ये आगे और ये इसके जस्ट पीछे, और ये एक बाएं साइड में और यह एक दाएं साइड में। आपको सामने से तीन दिख रहा होगा, तो इन तीनों के जो विपरीत साइड भी है, तो टोटल छह हो जाएंगे। तो यह क्या बनाता है, यह एक आयत बनाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल शेप का है, यानी ये आयत शेप का है। तो आप अगर जब देखेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, L इंटू बी,
तो हर एक में, तो ये देखिए ये वाला जो आयत है, और इसके जो जस्ट नीचे आएगा, नीचे वो दोनों एक तरह का होगा, तो हम लोग देखेंगे तो ये वाला आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। और उसी तरह का एक नीचे भी आए, नीचे भी आएगा, तो हम इसको दो बार ले लेंगे, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी। अभी हम आगे वाला देख लेते हैं, एक और आयत, एक और रेक्टेंगल, ये देखिए, ये जो है, तो ये इसका लेंथ हम लोग का एल हो जाएगा और इसका ब्रेथ हो जाएगा एच। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुना एच। तो ये जो आगे आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही इसके पीछे भी होगा, तो एक बार और इसको हम ले लेंगे एल गुना एच। फिर हम लेंगे ये जो बाएं साइड और दाएं साइड, तो बाएं साइड वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, दाएं साइड में देखिए ये आपका बी है और ये एच है, तो यह भी एक आयत बना रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा बी गुना एच, यानी बी गुना एच। तो सब दो दो बार हो गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू एल बी प्लस टू इंटू एल एच प्लस टू इंटू बी एच। और अगर हम लोग दो कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये हो गया आपका टीएसए ऑफ घनाफ, ये घनाफ का टीएसए यानी संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, दो गुना एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसमें ये संपूर्ण हो गया ये टीएसए, और अगर संपूर्ण ना लेके इसका हम लोग टॉप और बॉटम, ऊपरी हिस्सा यानी छत और नीचे की जमीन हम लोग नहीं लेते हैं, तो बचती है चार दीवारें। तो अगर बोलते हैं कि उसी तरह से जैसे पहले हमने घन में किया था कि चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर किसी को पेंट कराना है तो इसमें से क्या लेंगे, टॉप वाला एल इंटू बी और उसके बॉटम वाला ये वाला हम लोग को उसमें से हटा देना है, तो बचेगा क्या, तब आपका बच जाएगा टू बी एच प्लस टू एच एल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं दो गुना बी एच प्लस एच एल। ये हो गया आपका, अगर चार दीवारें पेंट करना है या फिर कोई ऐसा डब्बा दे दिया गया है जिसका ऊपरी ऊपर का जो ढक्कन गायब है और नीचे का जो उसका बेस है वो भी गायब है, तब ये लेंगे। और जब बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए किसी घनाफ का, तब आप ये वाला फॉर्मूला लेंगे। तो ये हो गया घनाफ। अब हम लोग तीसरा आकार देखते हैं,